पूरे मामले से अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने टेरर एंगल से फिलहाल दरकिनार किया है और साथ ही पुलिस की तरफ से मुख्य आरोपी यासिर अहमद नौकर को बताया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ जो तमाम चीजें हैं पुलिस के द्वारा तहकीकात की जा रही है फिलहाल? देखिए, अभी तहकीकात में फॉरेंसिक वगैरह जो है वो सब कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इससे लेके जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो में बड़ा सवाल कल से शुरू हो चुका है और हर क्वार्टर से, हर एंगल से पूछा जा रहा है कि डीजीपी रैंक का आदमी जिसके घर में एक दर्जन से ज्यादा सिक्योरिटी के लोग तैनात रहते हैं, जिसके बाहर मेन गेट पे 4 गनमैन खड़ा रहते हैं, जिसके घर के अंदर एसपीओज रहते हैं, जिसके अंदर पीएसओज रहते हैं, जिसके कुक से लेके जिसके हाउस डोमेस्टिक हेल्प जितने घर में होती है वो सब पुलिस की तरफ होते हैं, तो उनका मर्डर होना ये बड़ा अलमिया है, बड़ा सवाल है, ये आम लोगों की बात है। अगर ये टेरर अटैक नहीं है, लेकिन टेरर अटैक से भी खतरनाक है, क्योंकि डीजीपी रैंक का आदमी, 3-स्टार जनरल आदमी, और उसके घर पे एक डोमेस्टिक हेल्प जो है वो मर्डर कर लेना। फिलहाल अभी तक डोमेस्टिक हेल्प की बात की जाती है, घर के आदमी की बात की जाती है, लेकिन अकेला वो कैसे कर पाएगा? जिस घर में एक वक्त में 15 से 20 आदमी रहते हो, वहां भी एक आदमी कैसे मर्डर कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल इस वक्त कश्मीर में, जम्मू में, हर जगह पे पूछा जा रहा है। और इसके पीछे की कहानी देखिए, दो चीजें मानी जा रही है। इस वक्त गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, इंपॉर्टेंट दौरा, और इस बीच में जहां उनका जो दौरा था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो हेडलाइन इस वक्त चल रही थी, लेकिन शाम को ही लोहिया का मर्डर या लोहिया का क्या कुछ हुआ है, मर्डर है क्या है, अभी इस पे आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये सब कुछ होना गृह मंत्री के दौरे पर जो है उसको इसने बैकफुट पर लाया है, उसको लीड खबर जो इस वक्त थी वही उससे जो है सारा ध्यान हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको कहते हैं कि टेरर अटैक भी हो सके, शायद कोई उनका कोई नया एंगल हो, हर एंगल से इसकी तलाशी हो जो है जांच करने की इस वक्त हर तरह से। पुलवामा के अंदर घटना सनम, और फिलहाल देखिए जिस तरीके से आईपीएस अधिकारी की हत्या हो जाना, तो कहीं ना कहीं आम एक तरफ, दूसरी तरफ गृह मंत्री का दौरा है और तीसरी तरफ आम जनता, जाहिर तौर पर उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि जब प्रशासन पर आला जो उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जब उनके उनकी हत्या कर दी जा रही है घर के अंदर, तो क्या कुछ आम जनता महसूस कर सकती है सुरक्षा की दृष्टि से? जाहिर तौर पर यह डर का माहौल जम्मू कश्मीर की जनता के अंदर भी होगा। देखिए, डर का माहौल अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे सवाल कंसर्न बड़े होते हैं, क्योंकि उनकी ये वो आदमी नहीं है कि जिनकी सिक्योरिटी पे 2 लोग या 1 आदमी था और फिर वो कहीं उसकी नजर चूक गई। ऐसे लोगों के पास, ये डीजी रैंक का आदमी था, ये 3-स्टार जनरल था, ऐसे लोगों के घरों के पे जो है पूरी तरह से, जब ये रोड पे निकलते हैं तो इनके आगे पीछे 20 लोग होते हैं, घर में इनकी सिक्योरिटी जो होती है वो हाई ए प्लस सिक्योरिटी होती है, तो ये सारी ए प्लस सिक्योरिटी कहाँ थी उस वक्त, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी होते हुए एक डोमेस्टिक हेल्प मर्डर नहीं कर सकता है। इसके पीछे कुछ तार जरूर हो सकते हैं, इसके पीछे कोई कंस्पायरेसी जरूर हो सकती है, क्योंकि पूरा ये जो देखिए, ये जो आम आदमी है नहीं, या एक कोई थानेदार है नहीं कि उसे घर में एक पुलिस वाला था या कोई और है नहीं, ये डीजीपी के रैंक का है, पुलिस के यहाँ पे स्टार्स पे स्टार्स होते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी जो है वो लैप्स है। सिक्योरिटी सिनेरियो पे बड़ा सवाल है इस वक्त और सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि डीजीपी रैंक के आदमी का मर्डर होना है और डीजीपी रैंक के आदमी का मर्डर होना कोई शायद देश में कहीं और हुआ हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब तक इस तरह से अटैक्स हुए हैं, मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं, बाकी चीज हुए हैं, लेकिन इस तरह से जो कॉन्स्पायरेसी जो है ये अभी तक जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में शायद कभी नहीं हुई होगी। यानी कि संदिग्ध स्थितियों के अंदर कहीं पर डीजीपी जैसे अधिकारी की हत्या हो जाना, ये आप कह रहे हैं कि कितना अब तक जो है वो ये नहीं हुआ है। और फिलहाल देखिए, जाहिर तौर पर देखना होगा पुलिस इस तरीके से टेरर एंगल को लेकर ये कह रही है कि इसके पीछे टेरर एंगल नहीं है, ये पता चलेगा आखिरकार क्या कुछ तहकीकात के बाद निकलकर सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।